أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم تفکر کی دعوت دے رہا ہے. قرآن حکیم کی دعوت کا ہر جز فطرت سے ہم آہنگ ہے. ذہن کا کام کیا ہے؟ تفکر. دعوت کس چیز کی ہے؟ تفکر. قرآن حکیم از اول تا آخر اسی حکمت کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ جس موجود کو دعوت دیتا ہے، اس موجود کے ساتھ اس کی دعوت مکمل طور پر ہم آہنگی رکھتی ہے. اور تعقل اور تفکر چونکہ بطور خاص انسانی فطرت کا امتیاز ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اسے بار بار ذکر فرمایا، بار بار تعقل کی اور تفقہ کی اور تفکر کی دعوت دی ہے. تدبر، تذکر، تفقہ، تعقل، تفکر، یہ جتنے الفاظ ہیں اس قبیل کے، اگر آپ ایسے الفاظ و ایسے تراکیب و ایسے تعبیرات قرآن مجید میں جمع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ذہن انسانی اور قلب انسانی میں تفکر اور تعقل کے یا ادراک و شعور کے بھی جتنے مرحلے ہیں اور جتنی سطحیں ہیں، ہر مرحلے کو اور ہر سطح کو قرآن مجید نے متحرک کر دیا ہے. ہر مرحلے کو اور ہر سطح وجود پر قرآن مجید نے انسان کو مکمل طور پر آگہی سے ہم آغوش ہونے کے راستے دکھائے ہیں. علم اور آگہی،
और क़ुरान मजीद की दावत का उसलूब सिर्फ़ ये नहीं है कि वो बोझल लफ्ज़ों में फार्मूले बयान कर दें, ख़ास लफ्ज़ों में, ख़ास इस्तिलाहों में डिफिनेशंस बयान कर दें। डिफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी से क़ुरान कोई सरोकार नहीं रखता। ये इंसानों के लिए इब्तिदाई तालीमी ज़रूरत होती है, ये इब्तिदाई तालीमी ज़रूरत होती है। ये इस्तिलाहें, टर्मिनोलॉजीज, तारीफ़ें, डिफिनेशंस, इन सब की हैसियत सदफ़ किसी है। सदफ़ तो चाक करके फेंक दिया जाता है, उसके अंदर जो गौहर है उसे इंसान तुर्रे दस्तार बनाता है, उसे इंसान अपने ताज की जीनत बनाता है, उसी को इंसान हर एतबार से अपने तसरुफ में लाता है। वो मोती, सच्चा मोती, वो गौहर। ये इस्तिलाहें भी सब की सब सदफ की मानिंद हैं, सीपियां हैं। खाली सीपी किसी काम की नहीं होती, उसमें जो जौहर है उससे सरोकार रखना चाहिए इंसान को। दुनिया के सारे दरिया और समंदर वो हैं जिनमें सीपियां ही सीपियां हैं, किसी किसी सीपी में कहीं गौहर मिलता है। क़ुरान वो समंदर है जहाँ खोखली कोई सीपी मिलती ही नहीं है, वहाँ गौहर ही गौहर है, जौहर ही जौहर है, मोती ही मोती है। मानी का कुदरती आबशार है क़ुरान। काश आप हजरात ने बल्कि देखा ही होगा, दुनिया में जो बहुत मशहूर मशहूर आबशार हैं, काफ़ी अरसे पहले मैंने ये पढ़ा था, ख़ुद जब कनाडा गया तो जाकर देखा भी था, नियाग्रा फॉल्स, कि वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आबशार है। अब इस तरह के आबशार बहुत हैं दुनिया में, ये पानी के आबशार अगर आपके सामने हो और फिर आप तसव्वुर करें इस कलेमे को, इस मानवियत को तसव्वुर मिलाएं कि इल्म का, आगही का, शऊर का, इरफान का, विजदान का एक आबशार है नामुतनाही, जिसका नाम है कुरान। कुरान और इस कुरान से मुतालिक हज़रत हक सुबहानहु व तआला का इरशाद गिरामी क्या है इस आयत में, लो अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह। लो अनज़लना, अगर हमने इस क़ुरान को नाजिल किया होता किसी पहाड़ पर तो तुम देखते कि वो पहाड़ खौफ व ख़शियत इलाही से लरज उठता, कांप उठता और टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। इसी कुरान मजीद में जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम के वाक़ियात के ज़िम्न में तस्करा मौजूद है कि जनाब मूसा अपने चंद असहाब को लेकर जब रब्बे अरेनी का नारा लगा रहे थे, फरियाद कर रहे थे रब्बे अरेनी, और फिर वहाँ से लन तरानी की सदा आ रही थी, और जब तजल्ली का मौका आया तो क्या हुआ,
पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर, उलुल आज़म पैगंबर, बख्श मूसा मशहूर है, यानी मूसा की हैबत व जलालत व कुदरत मशहूर है, वो साहिब हशम व वो साहिब हैबत पैगंबर गश खा के गिर गया। एक तजल्ली, एक तजल्ली हक, एक तजल्ली हक। और कुरान तजल्लियों का आबशार, तजल्लियों का तसलसल है इसमें, नाम मुतनाही और गैर मुनक़ति मुसलसल। इस कुरान से मुतालिक हज़रत हक सुबहाना व तआला का ये फरमाना खुद काफ़ी है कि अगर ये हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ खौफ व खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता, मुतसद्दिआ, टुकड़े टुकड़े हो जाता। और फिर फरमाया वतिल्कल अम्थालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम लोगों के लिए पेश करते हैं ताकि वो लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो सोचें। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कायनात और हयात के हर हर मसले को सुलझाने के लिए नज़रियाती और अमली दोनों सतहों पर क़ुरान मजीद में हिदायतें फरमाई हैं और हर इंसान पर हक सुबहानहु व तआला की हुज्जत तमाम होती है। जो मौजूद जिस सतह वजूद पर है उसी सतह वजूद पर उस मौजूद के लिए अल्लाह की हुज्जतें तमाम हो जाती हैं। और इसके लिए हज़रत हक सुबहानहु व तआला ने, अल्लाह ने छोटी से छोटी मिसाल से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाल तक क़ुरान मजीद में जमा कर दी। खुद फरमाता है कि हम मक्खी और मच्छर की मिसाल देने से भी शर्माते नहीं हैं। एक तरफ ये है और एक तरफ बड़ी से बड़ी मिसाल क्या है, वलिल्लाहि अल-मसलुल अला वलहुल मसलुल अला। बड़ी से बड़ी मिसाल भी क़ुरान मजीद में है और छोटी से छोटी मिसाल भी क़ुरान मजीद में है। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास, और ये सब मिसालें किस लिए लोगों के लिए हम पेश करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। यानी इंसान अगर सलीमुल फितरत है, इंसान अगर क़ल्ब सलीम रखता है, इंसान की सोच अगर भटकी हुई नहीं है, इंसान का दिल अगर कज नहीं है, इंसान अपनी फितरत अव्वलिया पर कायम है, अगर उसकी फितरत किसी और फितरत पर, फितरत थानविया के तौर पर मस्ख नहीं हो गई, अगर इंसान ने ख़ुद अपने आप को मस्ख नहीं कर लिया है, तो ये क़ुरान मजीद उसकी ज़िंदगी के हर मसले को हल करने के लिए मिसाल भी पेश करता है और फ़िक्र भी अता करता है, क़ानून भी अता करता है, हुक्म भी देता है, हुक्म को बजा लाने के आदाब भी सिखाता है। और बड़ी से बड़ी हकीक़त को समझने के लिए भी मिसालें पेश करता है, यहाँ तक कि परवरदिगार तो वो क़ादिर है तख्लीक़ कायनात से लेकर और तख्लीक़ सुखन तक, जिन चीज़ों की मिसाल दी भी नहीं जा सकती परवरदिगार उसकी भी मिसाल दे देता है, दे सकता है। और फिर फरमाता है वलिल्लाहि मसलुल अला। ये तमहीदी कलिमात आप हजरात की फ़िक्र को महमेज़ करने के लिए काफ़ी हैं। एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा इस वक्त के
परवरदिगार आलम ने छोटी से छोटी मिसाल भी दी और बड़ी से बड़ी मिसाल दी, कुरान मजीद में भी मिसाल दी और मिसालें खल्क फरमाईं, लफ्ज़ों में मिसाल नहीं दी सिर्फ, मिसालें खल्क फरमाईं। ये उसकी रुबूबियत का तकाजा था। रुबूबियत के ज़िम्न में आती है तालीम और तरबियत, तस्कीफ, तरबियत, तालीम। देखिए स्कूलों में इब्तदाई क्लासों से लेकर और अब तो हायर एजुकेशन तक हर जगह मॉडल्स से काम लिया जाता है। सिर्फ लफ्ज़ों में दर्स नहीं होता, मॉडल्स बनाकर बाकायदा सामने रख देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। और वो हकायक जो इन निगाहों से आम तौर पर नज़र नहीं आ सकते, उन हकायक के भी मॉडल बना के सामने रख दिए जाते हैं। हमारे स्कूलों में ये हो रहा है या नहीं, हो रहा है या नहीं? भाई एटम का स्ट्रक्चर किसने देखा है? एटम के न्यूक्लियस की किसे खबर है? टेलीस्कोप से नज़र आता है, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, हैं? किसी ने देखी है आज तक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी ने देखे? एटम नहीं देखा तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या देखेंगे? लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको मॉडल्स नज़र आते हैं या नहीं? बच्चों के सामने बाकायदा मॉडल्स बने हुए हैं। यानी वो चीज़ जो निगाह से नज़र नहीं आ सकती, तालीमी ज़रूरत उसका भी मॉडल बना के सामने रख देती है। ये शुऊर इंसान को किसी और ने नहीं, खुदा ने अता किया है और ख़ुद ये करके दिखाया है कि जो चीज़ कभी भी आँखों से नज़र नहीं आ सकती, उसको भी समझाने के लिए ऐसी मिसालें खल्क फरमाई हैं। सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बयान किया, मिसालें खल्क फरमाई हैं। छोटी से छोटी मिसाल ज़िंदगी के छोटे मसाइल के लिए हैं, बड़ी से बड़ी मिसाल ज़िंदगी और कायनात के बड़े हकायक के लिए हैं। अब अगर सबसे बड़ी हकीकत को समझना हो तो भी तो हमारे सामने कोई मिसाल होनी चाहिए। खुदा की कसम, इसीलिए तफसीर रवाई में हमारे यहाँ मौजूद है कि कुरान में जिसे अल वलिल्लाहिल मसलुल आला कहा गया है, ये मसलुल आला कोई और नहीं अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम की ज़ात है। अली है अल-मसलुल आला। खुदा की कसम, मैं अपनी एक कैफियत बयान कर रहा हूँ आपसे। एक शब कदर में थोड़ी देर के लिए, ये 30-35 साल पहले की बात है, जब मैं माह मुबारक के रमज़ान में दिन में तो शेर कह नहीं पाता था तो रातों में हमेशा नज़में खूब कहता था, और सारी नज़में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शान में होती थी। तो सोच रहा था, ए परवरदिगार तू आदिल है, ए परवरदिगार तू करीम है, अज़ीम है, हकीम है, अज़ीज़ है, आदिल है। अजीब गरीब, अब आप इसे शायराना कहिए, आशिकाना कहिए, अजीब गिला और शिकवा खुदा से कर रहा था। परवरदिगार तुझे मालूम था कि ये दुनिया अली की कदर नहीं कर सकेगी तो तूने अली को इस दुनिया में भेजा क्यों? अजीब शिकवा था। तू तो आदिल है, तू हर शय को उस जगह रखता है जो जगह उस शय के लायक हो। ये दुनिया क्या मोहम्मद और आले मोहम्मद के लायक थी? इस दुनिया में क्यों भेजा मुस्तफ़ा को? इस दुनिया में क्यों भेजा मुर्तज़ा को? एक अजीब कैफियत थी। पता नहीं ये कैफियत मुझे आपके साथ
शेयर करनी चाहिए थी या नहीं। मगर बहरहाल आप इसे शायराना कैफियत कहें या मजजूबाना कैफियत कहें, खूब गिला शिकवा कर रहा था परवरदिगार, मगर ये दुनिया इस लायक है कि यहाँ मुहम्मद को भेजा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। क्या ये दुनिया इस लायक है कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत देर तक ये कैफियत रही लेकिन फिर जवाब यही मिला, वतिल्का अल-अम्थालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हम अगर अली को न भेजते, अली को आगोश मुस्तफ़ा में न भेजते, मुस्तफ़ा को न भेजते, तो ये हकीकत कुबरा, ये तुम जिससे गिला कर रहे हो उससे तुम आशना कैसे होते। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक और बुलंद तर सलावात, इस हकीकत कुबरा से तुम आशना कैसे होते हैं। खुदा की कसम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत से मुतालिक अगर तमाम मतालिब को समेट कर एक जुमले में कहना चाहूँ तो फ़ारसी का एक बहुत मशहूर मिसरा है जो नात पैगंबर में है, जिसमें कहा गया है कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़स्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे बुज़ुर्ग हस्ती तो आपकी है, बात बहुत मुख्तसर है। बस इसी मिसरे में एक लफ्ज़ की तब्दीली है, बादस नबी बुज़ुर्ग तोई क़स्सा मुख्तसर। एक लफ्ज़ का फ़र्क है बस, बादस नबी बुज़ुर्ग तोई क़स्सा मुख्तसर, ऐ अली उस खुदा और उस नबी के बाद आपकी ज़ात है और किसी का तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। खुदा की कसम फिर वही जुमला कहूँगा, अगर इंसान सलीमुत्तबा हो, अगर इंसान सहीहुल फिक्र हो, अगर इंसान सलीमुल क़ल्ब हो, साहिब क़ल्ब सलीम हो, दिल में कजी ना आई हो, फिक्र आलूदा ना हो, तो दुनिया की तारीख और इस्लामी लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुमकिन ही नहीं है कि फ़ल व शरफ़ व कमाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई शक व शुभा पैदा हो जाए। जिसकी भी चाहें किताब उठा ले पढ़ लें, सलीफी हजरात खुद अपनी ही किताबें पढ़ लें, मगर सही फिक्र के साथ। किसी भी मसलक का आदमी अपनी किताब पढ़ लें सही फिक्र के साथ। उसमें किताब पढ़ने के लिए ऐनकें इस्तेमाल ना करें, रंगीन ऐनकें, मैग्नीफाइंग ग्लास, छोटे को बड़ा करके दिखाने वाला, ऐसा नहीं। छोटे को बड़ा करके दिखाने वाला कोई औजार इस्तेमाल ना करें, तब सलीम के साथ, फ़िक्र मुस्तकीम के साथ। और तब सलीम और फ़िक्र मुस्तकीम कहाँ से नसीब होगी? यही क़ुरान। अब यहाँ पर ठहर के एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ और इसे तोहफ़तन लेके जाइएगा। ये जो आयत में कहा गया कि
لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ خوف خدا سے، خشیت الہی سے وہ پہاڑ لرز جاتے، کانپ جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا واقعاً مقصود یہ ہے کہ ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے کر سکتے تھے؟ خود اسی جملے میں ایک عبرت ہے. یہ قرآن، یہ تجلی الہی، بلکہ یہ ریاض تجلیات الہیہ، یہ بہشت تجلیات الہی، یہ پہاڑ پہ نازل کرنے کے لیے تھوڑی ہے. بات کہی جا رہی ہے کہ جب ہم، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے، خشیت الہی سے لرز اٹھتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تمہارے لیے تفکر کا نقطہ یہ کہ تم غور کرو، تمہارے دل کیوں نہیں متاثر ہوتے اس قرآن سے؟ کیا تمہارے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے؟ اور فرمانے آپ، کیا تمہارے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے؟ نہیں. تمہارے دل کلام الہی کو سننے اور سمجھنے اور پڑھنے کے بعد رقیق ہو جانے چاہیے، تمہارے دل گداز ہو جانے چاہیے، تمہارے دلوں میں دل سوزی پیدا ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں نرمی اور وسعت پیدا ہونی چاہیے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی قرآن مجید میں ایک اور مقام پر غالباً سورہ مبارکہ حدید میں کہا گیا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ ساعت نہیں آئی؟ کیا ابھی وہ لمحہ نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی؟ کیا ابھی وہ آن نہیں آئی کہ جس آن میں، جس ساعت میں، جس گھڑی میں تمہارے دل ذکر الہی کے لیے نرم ہو جائیں؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. کیا وہ ساعت نہیں آئی؟ اور فرمایا جو وہاں مطالبہ ہے کہ ذکر الہی کے لیے، کلام الہی کے لیے، یاد الہی کے لیے تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے، تقاضا یہاں بھی وہی ہے پہلی منزل میں، کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا ہے کہ تمہارے دل نہیں جھکتے خدا کے لیے؟ دعوت یہ ہے. اور یہاں پر ایک جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر واقعاً قرآن مجید سے متاثر ہو کر نفس انسانی، قلب انسانی، وجود انسانی، ذہن انسانی، روح انسانی، سر انسانی، باطن انسانی متاثر ہو جائے تو معلوم ہے کیا کیفیت ہوگی، خصوصیت کیا پیدا ہوگی. یہی نہیں کہ صرف رقیق ہو جائے گا، قرآن مجید کی تجلیوں کی حرارت میں اگر انسانی وجود پگھل جائے تو اس میں یہ سیال کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہنے دیجئے یہ حرکت جوہری پیدا ہو جاتی ہے کہ مشیت الہی کے مطابق جس وقت جس کیفیت کی ضرورت ہو نفس میں وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فولاد کو
बहुत हाई टेम्परेचर पर जब पिघला देते हैं आप, तो पिघलाने के बाद क्या होता है, उसके बाद जब उसे सर्द करते हैं तो जैसा सांचा होता है वैसे सांचे में फौलाद ढलता चला जाता है। कुरान मजीद की आतश इश्क इलाही और आतश मारिफत इलाही में अगर नफ्स इंसानी इसी तरह पिघल जाए तो फिर मशीयत जिस मौके पर जैसा जिस ज़र्फ में उसे ढालना चाहेगी वो ढलता चला जाएगा। जहाँ नरमी का तकाजा होगा वहाँ तबीयत नर्म होगी, जहाँ सख्ती का तकाजा होगा वहाँ तबीयत सख्त होगी। वही कैफियत जो कुरान मजीद ने मईयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए कही, मईयत मुस्तफ़ा, मईयत मुस्तफ़ा क्या 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 मकाम सुखन है कुरान मजीद का, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह और जो लोग उनके साथ हैं, मईयत जो लोग उनके साथ हैं उनकी कैफियत तो यह है कि कुफ्फार के लिए वो शदीद हैं, आपस में वो रहम दिल हैं। जहाँ नरमी का मौका है वहाँ नरम है, जहाँ सख्ती का मौका है वहाँ सख्त है। क़ुरान मजीद की हरारत में गल कर हमारा आहन वजूद भी यही सिफत पैदा करता है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरबियत में रहकर, उनकी मईयत में रहकर, मैं सोहबत नहीं कह रहा हूँ मईयत कह रहा हूँ, लफ्ज़ सोहबत से मुझे कुछ तहफ्फुज़ात हैं, इसलिए कि लोगों ने सोहबत को मानी और उसका ज़माना अजब तरह से महदूद किया है। मैं जिस मईयत की बात कह रहा हूँ उसका ज़माना ख़त्म नहीं हुआ, आज भी मईयत का सिलसिला जारी है। सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले में, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु। कौन कहता है कि आज आप रसूल के साथ नहीं हो सकते? आज तो रसूल के साथ उस तरह हो सकते हैं कि रसूल के सलाम के मुस्तहिक हो जाएं, रसूल की तबरीक के मुस्तहिक हो जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जो कुरान की सिफत है वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और आपकी मईयत की तासीर है कि जहाँ नर्म खू होने का मौका हो वहाँ नर्म खू हो, और जहाँ सख्ती का मौका हो वहाँ सख्त हो। और यही सिफत, खुदा की कसम यही सिफत जो कुरान की है, यही सिफत जो तरबियत व मईयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की है, यही सिफत इश्क अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की। अमीरुल मोमिनीन इस कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा है अली। आप कहेंगे कि फिर मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिसे ये मौजज़ा दिया गया। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितनी ही एहतियात से बात करूं मगर जिनके दिल टेढ़े हो चुके हैं उन दिलों में ये बादए मारिफत ठहरने वाली नहीं है। ये शराब मारिफत उन दिलों में ठहरने वाली नहीं, तो अब ये उन दिलों का कसूर है, मैं क्या करूं। बहरहाल मुअज्जज़े के इजहार के लिए दस्ते मुअज्जज़ नुमा चाहिए। वो दस्ते मौजिज़ नुमा दस्ते मुस्तफ़ा है, और जो मौजज़ा उस हाथ पर ज़ाहिर हुआ उसका नाम अली है।
अब ज़रूर मैं लफ्ज़ की नज़ाकत के सहारे से अपनी बात की नज़ाकत के तकाजे को पूरा करना चाहता हूँ। फिर लोग कुरान की बात करेंगे, कुरान और अली में कोई फ़र्क नहीं है। कुरान कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, अली दस्त मुस्तफ़ा पे नाजिल। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, मरातिब, कमालात, इनके बयान करने से कहीं न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का इनकार लाजिम आता है। इनकार तो दूर की बात है, कहीं तकाबुल भी मुमकिन नहीं है। वो मुरब्बी हैं या उनकी आगोश तरबियत में तरबियत पाने वाले हैं, समझने की बात है। और ना हज़रत हक़ सुबहानहु व तआला की तौहीद के मसाइल कहीं दरमियान में आते हैं। जो लोग फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के नामुतनाही फ़ज़ाइल, नामुतनाही फ़ज़ाइल, भाई हम जब नामुतनाही कहते हैं तो उर्फ़ी एतबार से कहते हैं, उर्फ़ी। आप बताइए आपकी उर्दू ज़बान में या किसी भी ज़बान में क्या तबीर है उस ज़ात के लिए, उस हकीक़त के लिए जिसके लिए हुजूर फरमाएं कि अगर तमाम दुनिया के समंदर रोशनाई बन जाएं, तमाम दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, तमाम जिन्नो इंस मिलकर भी लिखना शुरू करें तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे, मगर फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब ख़त्म नहीं हो सकते। अगर इसको हम अपनी आम ज़बान में नामुतनाही ना कहें तो किसको कहेंगे? और तबीर क्या, और तबीर क्या है आपके पास, तबीर क्या है आपके पास? और इस बयान में आप शक कर सकते हैं? हुजूर का बयान है और किसी ज़ईफ़ सनद से नहीं है। ये मज़मून तकरीबन हम तक तवातुर से पहुंचा है। और ज़ात गिरामी है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो ख़ुद जान कुरान है, उनके लिए मैं अक्सर अर्ज़ कर चुका हूँ आपके सामने और लिख भी चुका हूँ दो तीन जगहों पर, मकाले की शक्ल में, किताब की शक्ल में, कि कुरान मजीद में आपका तज़किरा किस किस तरह से मौजूद है। और मुझसे पहले सैकड़ों हज़रात लिख चुके हैं कि कुरान मजीद में कितनी आयतें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई। देखिए आपकी ज़ाहरी वजूद को भी परवरदिगार महफूज रखे वबाए आम से, इस कोरोना की वबा से, लेकिन एक बात तय करके बैठिए, अगर आप आशिकान हैदर करार हैं, कोई चीज़ मुतासिर हो इस वबा से या मुतासिर ना हो, सलावात मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सलावात जब भेजें तो ज़ाहिर है कि कानून है, पाबंदियां हैं तादाद में लोगों की, तो ऐसी सलावात तो हो कि मलाए आला तक फरिश्तों को खबर तो हो जाए कि जिक्र अली हो रहा है। सारे दीगर बुलंदतर सलावात। जज़ाकुमुल्लाह। तो मुख्तलिफ अक़वाल हैं, आप भी सुनते रहते होंगे, बराबर ज़ाकिरीन जिक्र करते रहते हैं, लिखने वाले लिखते रहते हैं मज़ामीन मक़ाले। कोई कहता है कि क़ुरान मजीद में 300 आयतें हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत में हैं, कोई कहता है 500 आयतें हैं, कोई इससे ज़्यादा, कोई इससे कम। मैं अपना पुराना, बहुत पुराना जुमला याद दिला दूं कि मैं अर्ज़ करता रहता हूं कि क़ुरान मजीद अज़्ज़ल ता आखिर क़सीदा मुहम्मद वाले मुहम्मद है। अब फिर भी ये तज़किरा गरां गुज़रता है लोगों पर और वो सवाल पुराना अपनी जगह कायम रहता है कि कहाँ है ज़िक्र अली, कहाँ है नाम अली। मैं इसका जवाब भी मुकर्रर अर्ज़ कर चुका हूँ।
एक चीज़ याद रखें, फिर ताज़ा रहे बात जहन में, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, चाहे ज़िक्र मुबारक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हो, चाहे ज़िक्र मुबारक इमाम हसन हो, चाहे ज़िक्र मुबारक इमाम हुसैन हो, चाहे ज़िक्र मुबारक इमाम महदी अल-मुंतज़र अज़ल्लाहु तआला, सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अइमा के सिलसिले में से हर इमाम का ज़िक्र क़ुरान मजीद में मौजूद है। ये मुफस्सिरीन जो क़ुरान मजीद जिस रोशनाई से लिखा जाता है, उस रोशनाई को देखकर क़ुरान की तफसीर लिखते हैं। और क्या, ये मानिए क़ुरान की तजल्ली देखते हैं। ये उस रोशनाई को देखकर तफसीर लिखते हैं, और गैर मासूम हाथों से लिखी गई डिक्शनरियों से मानी तलाश करते हैं। ये मुफसरीन नहीं समझ सकते कि किसका तस्किरा कहाँ है, हालांकि ख़ुद ये कौल बहुत आम है। हज़रत इब्न अब्बास से कि मेरे ऊँट की नकेल भी गायब हो जाती है तो मैं क़ुरान से तलाश करता हूँ। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सबका ज़िक्र क़ुरान में है। यहाँ पर शक व शुभा नहीं पैदा होता। छोटी से छोटी चीज़ भी क़ुरान में है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी क़ुरान में है। नहीं है क़ुरान में तो अली। इब्न अब्बास के ऊँट की नकेल तो क़ुरान से मिल जाती है, मगर शुतुर खिलाफत की नकेल नहीं मिलती। गौर फरमाइए, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आते। यहाँ पर मैंने एक बात अर्ज़ की थी और उसे मुकर्रर अर्ज़ कर रहा हूँ, और आप हजरात भी इसे याद रखिएगा, दोहराते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, का जिक्र मुबारक तौरात में है या नहीं, था या नहीं, इंजील में था या नहीं, और है या नहीं, दीगर सुहफ़ अंबिया में हुजूर का तस्किरा था या नहीं, और है या नहीं, जवाब इस बात में। तमाम मुसलमान इस बात को मानते हैं कि हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक तमाम सुहफ़ अंबिया में था, तमाम आसमानी किताबों में था, तौरात में था, और इंजील में था, और तौरात और इंजील की तफसीर लिखने वालों ने उन आयतों की इस शरह व बस्त के साथ तफसीर भी लिखी थी कि ख़ुद क़ुरान कहता है कि ये हमारे इस पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। आयत है क़ुरान की। तो क्या हुजूर का नसबनामा पूरा लिखा हुआ था तौरात में? पूरा शजरे नसब था, लफ्ज़ मोहम्मद था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखा हुआ था। ख़ुद क़ुरान कहता है कि मसलन इंजील में आपका नाम नामी मोहम्मद नहीं बल्कि अहमद था। हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा तमाम सुहफ़ में और इन बड़ी किताबों में मौजूद था और मौजूद है, और इसीलिए जो सहीहुल फ़िक्र थे उनके दरमियान वो हुजूर को पहचानते थे, जानते थे, और पहचानने और जानने में कोई दिक्कत न थी। लेकिन जो गुमराह हो गए थे, जिनके कल्ब टेढ़े हो गए थे, दिल टेढ़े हो गए थे, कज हो गए थे, वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। जिस उसलूब में पैगंबर का जिक्र कबल की किताबों में था, उसी उसलूब में अली से महदी तक तमाम अइम्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। उन फ्रेजेस को समझने की ज़रूरत है,
उन एक्सप्रेशंस को समझने की ज़रूरत है, उन ताबीरात इलाहिया ताबीरात कुरानिया को समझने की ज़रूरत है, सही तफसीर सही तर्जमानी सही तावील तक पहुँचने की ज़रूरत है। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल मनाक़िब और आपके तज़किरे यहाँ तक कि तारीख़ी वाक़ियात तक को क़ुरान मजीद ने अजीब उसलूब में महफूज कर दिया है। काश मेरा ज़हन और इस वक्त तबीयत साथ दे जाए तो मैं एक मकाम की तरफ इशारा करूँ, एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले। आम तौर पर हजरत तारीख़ी मसाइल में उलझे रहते हैं, और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ इससे पहले बहुत तफसील से बाज़ तकरीरों में कि इस्लाम की तारीख़ बतौर ख़ास जिन लोगों ने लिखी उन्होंने क़ुरान मजीद को सामने रख के नहीं लिखी, इसलिए तारीख़ी बयानात में बहुत से इख्तलाफात वाक़े हो गए, बहुत सी बातें खिलाफ हकीकत आ गईं। अगर क़ुरान मजीद को सामने रखते तो वो उलझने हमें तारीख़ की किताबों में न मिलती जो आज मौजूद हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा इख्तलाफात मुसलमानों के दरमियान में हैं वो गलत तारीख़ी बयानात की बिना पर। तारीख़ गलत लिखी गई, तारीख़ गलत बयान की गई, तारीख़ी वाक़ियात की ताबीरें और तफसीरें गलत हुईं, इसलिए इख्तलाफात बढ़ते चले गए और आज भी यही सूरत है। अगर ये तारीख़ें क़ुरान मजीद की रोशनी में लिखी जाती तो हरगिज़ इख्तलाफ ना होता, और ये तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हम तक पहुँचने वाली एक रिवायत में मौजूद है कि आपने फरमाया अगर लोग क़ुरान मजीद को उसी तरह पढ़ते जिस तरह ये नाजिल हुआ है तो कभी उम्मत में इख्तलाफ ना होता। उसी तरह पढ़ते से क्या मुराद है? ये क़रात, ये रीडिंग कौन सी रीडिंग है? अल्फाज की नहीं, उसके मानी की, उसकी सही तर्जुमानी, उसकी सही तफसीर और सही तावील तक रसाई। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक और बुलंदतर अब हजरत से मुतालिक एक तारीखी, मैं सिर्फ एक मकाम की तरफ इशारा करूँगा। अलबत्त क़ुरान मजीद का तारीखी वक़ायअ को बयान करने का उसलूब भी अपना होता है, किस तरह आम अंदाज़े बयान में ख़ास बात कह दी जाती है और किस तरह ख़ास लबो लहजे में कोई आम पैगाम दे दिया जाता है। ये तो कोई क़ुरान से सीखे, ये उसलूब ये एजाज़ बयान ये तो कोई क़ुरान से सीखे कि आम बयान में ख़ास बातें और ख़ास ख़िताब में आम पैगाम। ये क़ुरान का एजाज़ के असालीब में से एक उसलूब है, और इसलिए है कि जो ख़ास मिसदाक है उसका भी तज़किरा हो जाए और जो क़यामत तक सिलसिला रहेगा हवादिस और वाक़ियात का उसमें भी सही और ग़लत हक और बातिल की शनाख्त के लिए उसूल भी फराहम रहे। सिर्फ ये न समझा जाए कि ये वाक़या माजी का था, उसी वाक़े के बयान के ज़िम्न में उसलूब वो है, लबो लहजा ये है कि वो एक क़ायदे कुलिया की शक्ल में सामने आता है, मालूम था क़यामत तक ये बात अपनी जगह इसी तरह रहेगी। मैं तेज़ी से इशारा कर दूं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तय्यबा में एक वाक़या ऐसा है जो बहुत अज़ीम शान है। ये तो मैं एक वाक़या नक़ल करने के लिए जुमला कह रहा हूँ, वरना आपकी ज़िंदगी का तो हर लम्हा अज़ीम शान है।
हर लम्हा अज़ीम शान है आपकी हयात तैयबा का। मैं जिस वाक़े का ख़ास तौर से इस वक्त ज़िक्र कर रहा हूँ वो वाक़े हिजरत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये भी एक हकीकत है जिसे इन दो मिसरों में कहा गया है कि हिजरत की शब से ता शब मेराज मुस्तफ़ा, हिजरत की शब से ता शब मेराज मुस्तफ़ा ज़िक्र अली का रब्त है ज़िक्र नबी के साथ। जब भी ज़िक्र नबी होगा तो ज़िक्र अली भी होगा। मगर मुमकिन है कि कोई हिजरत पैगंबर का तस्करा करे और हज़रत अमीर का तस्करा ना, और ये इसलिए इस ज़िक्र को बुलंदी नसीब है कि उसी शब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हिजरत की शब इस तस्करे को आर्श पर खुदा ने फरमाया है और बुलंदी अता की है फरिश्तों के दरमियान मुबाहत करके। जब हज़रत अमीर अलैहि सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा अली आज मैं हिजरत करूँगा तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाना रात को, तो क्या पूछा? कहा या रसूलुल्लाह आपकी जान बच जाएगी? कहा तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओगे और मेरी जान बच जाएगी। हज़रत ने सुनते ही सजदा शुक्र किया और तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी और तफसीर क़ुरानी में यह ज़िक्र मौजूद है बहुत से हज़रात ने कि यह पहला सजदा शुक्र है जो रूए ज़मीन पर तारीख़ इस्लामी में अली इब्न अबी तालिब ने अदा किया है। सजदा शुक्र, सजदा शुक्र, याद रखिएगा इस बात को, सजदा शुक्र रसूल की बका और अपनी कुर्बानी को देखकर। कुर्बानी नहीं है तो क्या है? मालूम है कि घर खून के प्यासे घर का इहाता करके खड़े रहेंगे और कत्ल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर तारीख़ी जुज़ियात और रिवायात का तनव्वो और इख्तलाफ़ बहुत है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है कि मैं तज़किरा करूँ और ना मेरी तबीयत मुतहम्मिल है। ये तो आप हज़रात की मोहब्बत और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का लुत्फ़ है कि मैं तकरीबन 3.5 महीने के बाद आज कोई पहली सआदत हासिल कर सका ज़िक्र मौला की बरसरे मिंबर। बहरहाल तो जुज़ियात बहुत हैं तारीख़ में और रिवायात में, और यानी सिर्फ हिजरत का बयान हो तो कई मजलिसें दरकार हैं कि सिर्फ हिजरत के वाक़यात पर और उनकी रिवायात पर तबसरा किया जाए। इस वक्त जो रिवायत, जो अल्फाज कह रहा हूँ ये नस से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया तुम लेट जाओगे और मैं बच जाऊँगा। ये सुनते ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना फरीज़ा अंजाम दिया। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरिश्तों से ख़िताब किया और कहा कौन है तुम में से जो अपनी उम्र दूसरे को दे दे? जिब्राइल, मिकाइल, मैं तुम दोनों की उम्र को दराज़ करता हूँ, तुम में से कौन है जो अपनी उम्र का एक हिस्सा दूसरे को देने के लिए आमादा हो? कोई आमादा नहीं हुआ, बल्कि बाज़ तफसीली रिवायतों में यह है कि हर एक ने कहा जितनी तवील उम्र हमें नसीब होगी हम उतनी ही तेरी तस्बीह और तकदीस करेंगे। इस तरह की ताबीरें हैं। उस वक्त हज़रत हक़ सुबहानहु व तआला ने कहा देखो ज़रा ज़मीन की तरफ, हमने इन दोनों को भाई करार दिया, अली को मोहम्मद का भाई, मोहम्मद को अली का भाई। ये देखो एक भाई किस तरह से अपने भाई पर जान निसार कर रहा है। अब जाओ तुम और जाने के बाद तुम्हारा फरीज़ा ये है कि इस जान निसारे मुस्तफ़ा की हिफाजत करो। चुनांचे शब भर उधर कुफ्फार कुरैश
उस बैत का इहाता किए रहे और जिब्राइल और मीकाईल अहलुल बैत का इहाता किए रहे। जिब्राइल सिरहाने और मीकाईल पाहिने पा खड़े होकर रात भर हिफाजत करते रहे और तहनियत देते रहे, आली मुबारक हो आपके आपकी इस फजीलत पर परवरदिगार आलम मलकूत में मुबाहात फरमा रहा है। अब ये तमाम वाक़ियात आप हजरात समाअत फरमाते रहते हैं। खुलासा कलाम यह है कि इस वाक़े के मुताल्लिक़ क़ुरान मजीद में आयत मौजूद है। सूरह मुबारक बकरा की आयत है, वमिनन नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। ये सब आप हजरात जानते हैं, तफसीर थालबी में मौजूद है और मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद है, कसरत से रिवायात मौजूद हैं कि यह आयत करीमा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शान में नाजिल हुई। इमाम अबू हामिद गज़ाली ने भी तज़किरा किया है और अहया उलूमुद्दीन में तज़किरा किया है और मुख्तलिफ उलमा ने तज़किरा किया है, उसके साथ और तफसील है। यहाँ ठहर कर बस तेज़ी से मैं जिस मकाम की तरफ लाना चाहता हूँ, यहाँ इस आयत में न हिजरत का ज़िक्र है, न शब का ज़िक्र है, न पैगंबर का ज़िक्र है, न अली का ज़िक्र है। और हमारे यहाँ वाक़े की ज़ाहरी मादी दुनियावी जुज़ियात में से किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है और वाक़े का ज़िक्र मौजूद है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ اب بات یہیں تک نہیں رہے گی، بس ایک دو فقرے اور عرض کر دوں۔ اس سے قبل کی تین چار آیتیں اور اس کے بعد کی دو آیتیں، اسے پڑھ لیجئے اس پورے مقام کو، तो आपको ये सिर्फ पांच छह आयतें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, हक पर कौन है, बातिल पर कौन है, क़याम क़यामत तक हक पर कौन होगा, बातिल पर कौन होगा। औसाफ बयान कर दिया। पहली आयत जो इस सिलसिले की है, जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वह मिन अन्नास मन युजिबुक कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बिह व हुवा अलद्दुल खिसाम। वह मिन अन्नास मन युजिबुक कौलुहु फिल हयातिद दुनिया। अब वह मिन अन्नास कहा जा रहा है, बिल्कुल आम बात है, मालूम हो रहा है इसका खास मुसलमानों से रब्त नहीं है, मगर है खास मुसलमानों की तारीख से। क्यों? وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ। अब मैं जिस उसलूब से बयान करता हूँ और फिर आज और आहिस्ता आहिस्ता बयान का सिलसिला बढ़ रहा है और वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। बहरहाल अब ये मज़मून जो है घुट के रह जाएगा, मगर इसमें निकात बहुत हैं, मतालिब बहुत हैं। फरमा रहा है परवरदिगार के कुरान मजीद है, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا। कितने ही ऐसे हैं जिनकी बातें, जिनका कौल, जिनके खुतबे, जिनके फरामीन, जिनके बनाए हुए कानून, जिनकी बनाई हुई सियासतें तुम्हें हयात दुनिया के मुतालिक अच्छी मालूम होती हैं, अच्छी मालूम होती हैं। युजिबो का कौल हो, उसका कौल अच्छा मालूम होता है, पसंदीदा वाक़ होता है तुम्हारे लिए, और वो अपने दिल पर खुदा को गवाह भी कहता है, यानी ऐलान करता है कि खुदा गवाह है कि मेरे दिल में खैर ही खैर है,
हालांकि अमल के मैदान में जाहिर हो जाता है वह हुआ अलद्दुल खिसाम, उससे बड़ा शर कोई नहीं है, उससे बड़ा झगड़ा करने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा इख्तिलाफ करने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा जंग जू कोई नहीं है। लेकिन जब मैं जंगजू का कलेमा कह रहा हूँ तो ये याद रखिएगा कि शुजा जंगजू नहीं होता और हर जंगजू शुजा नहीं होता। जंग छेड़ने वाले अक्सर बुजदिल होते हैं, जंगों को रोकने वाले शुजा होते हैं। वह हुआ अलद्दुल खिसाम। अब मैं नाम ले लूँगा तो बहुत से लोग आजुर्दा खातिर हो जाएंगे। अब आप ढूंढिए तारीख में बहुत से मकाले आप पढ़ते रहते हैं, फलां साहब क्या कहना साहब, क्या सियासत थी, क्या उम्दा कवानीन बनाए, और देखिए क्या पॉलिसी थी उनकी, उनसे बड़ी तो पॉलिसी कोई बना नहीं सकता, दुश्मनों को किस तरह राम कर लेते थे रिश्वतें देकर। कहीं डरा धमका कर, कहीं गांव के गांव उजाड़ के आग लगा के लूट मार करके अपना इख्तदार कायम करने के लिए, और जब बात करते थे तो ऐसी के जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। युजिबु का कौल हो, उसका कौल आपको अच्छा लगता है, फिल हयात दुनिया, इस हयात दुनिया में, वयुशहदुल्लाह अला मा फी कल्बे, और उसकी जुरात और जसारत यह है कि वह अल्लाह को गवाह करार देता है उस बात पर जो उसके दिल में है। वह अलद्दुल खिसाम, और वह खुद सबसे बड़ा झगड़ालू है। कुरान की आयत है, किसी तारीख की इबारत नहीं पढ़ रहा हूं। गौर फरमा रहे आप? अच्छा, आप चूंकि वक्त खत्म हो गया इसलिए बाकी आयतें नहीं पढ़ रहा हूं। इस आयत से लेकर उस आयत तक आप पढ़ लें। वमिन अन्नास मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और फिर वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, और लोगों में वो भी है जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के खातिर बेच देता है। और हमारे क्या दोनों बराबर हैं? एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, दो नज़रियों ने इस्लाम और मुसलमान और मुस्लिम तारीख और तहजीब और सकाफत और मीरास को बर्बाद करके रख दिया। आज कुरान भी महजूर है और इस्लाम भी महजूर दो नज़रियों ने। एक नज़रिया ये कि जो जिस तरह भी कुर्सी इख्तदार तक पहुँच जाए आप उसकी पैरवी कर लीजिए, चाहे झगड़ा करके, जंग करके, खूनरेजी करके, जिस तरह से भी इख्तदार पर कोई पहुंच जाए, कहरो गलबा के ज़रिए से, दो आदमी मिलके किसी की बयात कर लें तो उसको तस्लीम कर लीजिए, चंद आदमी किसी का इंतखाब कर लें तो उसे तस्लीम कर लीजिए, और ख़ुद जंग व जदल करके, खून रेजी करके कोई कुर्सी इख्तदार तक पहुंच जाए उसको तस्लीम कर लीजिए। किसी भी सूरत से कोई इख्तदार तक पहुँच जाए, जब वो इख्तदार पर मुतमक्किन हो जाए तो बस उसे तस्लीम कर लीजिए। इस नजरिए ने इस्लाम को तबाह कर दिया, और इस्लामी रूह से मुतसादिम है यह नजरिया, अक्ल बशरी से मुतसादिम है यह नजरिया। उधर दुनिया के आजाद ख्याल लोग हैं जो बज़ाहिर काफिर हैं, मुशरिक हैं, और वो अपने अपने हुक्मरान को यह देखना चाहते हैं कि यह इसने तख्ते हुकूमत तक पहुंचने के लिए, कुर्सी इख्तदार तक पहुंचने के लिए कहीं बेईमानी तो नहीं की है। अगर बेईमानी की है तो मुहासिबा करते हैं, मुहासिबा करते हैं। एक तरफ आप हैं जो दीन और तौहीद और अदल इलाही के कायल हैं, और उसके बाद कहते हैं जो जिस तरह भी पहुंच जाए कुर्सी इख्तदार तक आप उसे तस्लीम कर लीजिए। एक ये नज़रिया, और दूसरा नज़रिया ये कि सब बराबर है, सब बराबर, ये सब बराबर, अच्छे बुरे सब। कुरान बार बार कहता है, क्या जाहिल और पढ़े लिखे बराबर हैं? क्या बीना और नाबीना बराबर हैं? क्या आदिल और फासिक बराबर हैं? कुरान बार बार कहता है कि ये बराबर नहीं है, हमारा मुसलमान कहता है सब बराबर। यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, अब तो तारीखी हकायक की मिसाल नकल करने पर भी ज़बान लरजने लगती है,
एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। कातिल, मक्तूल और सबब कत्ल, तीनों को अगर बराबर समझ लिया जाए तो फिर इंसाफ कहाँ होगा, आदिल कहाँ होगा? और फरमा रहे हैं आप। बहरहाल क़ुरान मजीद की यही दो आयतें फिल वक्त जहन में रखिए, वक्त ख़त्म हो चुका, तमाम हो चुका। कि एक तरफ यह है कि व मिन अन्नास है मन युजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और फिर व मिन अन्नास है मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक वो है कि जिसने अपने नफ्स को बेच दिया मरज़ात इलाही के लिए, और ये ताबीर क्या हसीन ताबीर है, इस पर गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। मैं गुफ्तगू को यहाँ रोक कर बस एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप सब अहले विला हैं, मैं नहीं बयान कर सका कुछ चूँकि वक्त अब इफ्तार का और नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बस एक जुमला अर्ज़ करूँगा, अली का मिजाज समझिए। जब रसूल ने फरमाया कि मैं जा रहा हूँ, मेरी जान बच जाएगी, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, अली ने क्या किया? सजदाए शुक्र। अपने लिए जान जाने का ख़तरा सामने देखकर अली ने सजदा किया। इस अली की शहादत भी वाक़ हुई तो सजदे की कैफियत में। इस सजदे का आका की सीरत से बहुत ताल्लुक़ है। आपका जो लक़ब मुबारक है अबू तुराब है ना, समझिए हकीकत व मानवियत सजदा अगर किसी शख्स की शक्ल में मुशख्खस हो सकती है और किसी पैकर में ढल सकती है तो उस पैकर का नाम है अली। सजदा एक मानवियत है, सजदा एक हकीकत है, खालिक को सजदा, रब को सजदा, ये सजदा एक हकीकत है, ये एक मानवियत है, ये एक नूरानियत है। ये हकीकत, ये नूरानियत, ये मानवियत अगर किसी पैकर की शक्ल में ज़ाहिर हो सकती है तो उस पैकर का नाम है अबू तुराब, उस पैकर का नाम है अली। आज 19वीं रमज़ान की शब है, आज वो शब है जिस शब में शब कद्र का सुहाग लुट गया था। आज वो शब है जिसकी सहर लहू लुहान हो गई थी। आज वो शब है कि जिस शब में फातेह बद्र को दुनिया बदर करने की तदबीर की जा रही थी। अजरकुम अल्लाह। आज वो शब है कि शब भर अमीरुल मोमिनीन बेचैनी के साथ सहने खाना में टहलते रहे। कभी मुसल्ले पर जाते थे, इबादत बजा लाते थे, कभी सहने खाना में तशरीफ़ लाते थे, आसमान की तरफ देखते थे, कहते थे खुदा की कसम यही वो शब है जिसका मुझसे वादा किया गया, खुदा की कसम यही वो शब है जिसका मुझसे वादा किया गया है। आका अमीर मोमिनीन का मर्तबा जो लम्हों को पहचानता हो, जो साथों को पहचानता हो, जो वक्त को पहचानता हो, जो शब रोज़ को पहचानता हो, जो रेगे रवाने वक्त को पहचानता हो, रेगे रवाने वक्त के जर्रे जर्रे को पहचानता हो, वो अली कहता है आज ही की शब है जिसका मुझसे मेरे हबीब मुस्तफ़ा ने वादा किया है, वादा किया है, वादा। अल्लाह अकबर, ये लिकाउल्लाह का इश्तियाक। आप हजरात सुनते रहते हैं, बस दो तीन फकरे अर्ज़ करूँगा याद दहानी के लिए, आप तो ख़ुद गिरिया फरमाएंगे। अमीरुल मोमिनीन उस रोज़ अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान थे। बाज़ रिवायतों में जनाब ज़ैनब का तस्करा भी है कि बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब के मेहमान थे, लेकिन ज़्यादा मशहूर रिवायत हमारे यहाँ यही है जो ख़ास तौर से मिंबरों से पढ़ी जाती कि जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान थे। बहरहाल बेटी के मेहमान थे,
बेटियों को किस कदर अपने वालिद से मोहब्बत होती है, बतौर खास बेटी ने इफ्तार के लिए एक प्याला दूध, नमक और रोटी सामने रख के रखी। मौला ने गैज़ो गज़ब के लहजे में पूछा, बेटी कब तूने देखा है कि मेरे दस्तरखान पे दो तरह की ग़िज़ा मौजूद। अली अमीरुल मोमिनीन, अली इमामुल मुत्तकीन, अली इस कायनात का अमीर, अली इस कायनात का शुजा तरीन फर्द। फरमाते हैं, कब तूने देखा कि मेरे दस्तरखान में दो तरह की रोटियां, दो तरह के सालन रखे गए हों। बेटी ने चाहा नमक उठा लें, आपने फरमाया नहीं, दूध का प्याला उठा लो। आपने रोटी और नमक से इफ्तार फरमाया, इबादत में मशगूल हुए और ठहर ठहर कर कुछ बेटी से नसीहत करते जाते हैं। सहने खाना में आके आसमान का मुशाहदा फरमाते हैं और फिर मुसल्ले पे तशरीफ़ ले जाते हैं। यहाँ तक कि करीब सहर आमादा हुए और मस्जिद के लिए जब निकलने लगे तो ये वाकया भी आप हजरात भूले नहीं होंगे कि घर में कुछ मुर्गाबियाँ पली हुई। उन मुर्गाबियों ने आका की दामन आबा को अपनी मिनकारों से पकड़ लिया और बुलंद आवाज़ से चीखना शुरू किया। आपने फरमाया, ये नौहा कुना हैं, ये नौहा कर रही हैं। बेटी मेरे बाद अगर इनका ख्याल रख सकना तो इन्हें बाकी रखना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। आका बैतुल शरफ से निकले और मस्जिद तक पहुँचे। हमेशा कोई और मुअज्जिन अजान देता था, तारीख़ में मुअज्जिनों के नाम मौजूद हैं, कोई और मुअज्जिन अजान देता था। उस दिन मौला तशरीफ़ ले गए, ख़ुद अजान दी और उसके बाद आपका उसलूब यही था, तरीक़ेकार यही था। जब मस्जिद में जाते थे तो जो लोग मस्जिद में सोए हुए होते थे उन्हें बेदार करते थे, नरमी से, नर्म लहजे से, उठ जाओ अल्लाह के ज़िक्र के लिए, उठ जाओ फरीज़े की अदायगी के लिए, उठो ख़्वाब गफलत से उठो। आका इसी तरह तरबियत करते हुए, शफ़क़त से तालीम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक शकी को देखा कि मुँह के बल सोया हुआ है। सोया हुआ नहीं था, जाहिर कर रहा था कि सोया हुआ है। आपने उसको भी उठाया और उस वक्त भी एक मुअल्लिम का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तो किस अंदाज़ से सोया हुआ है? ये अंदाज़ तो शैतान के सोने का है। उठ जा, या दाहिनी करवट लेटा कर या बाईं करवट, इसलिए कि दाहिनी करवट उलमा लेटते हैं, बाईं करवट हुकमा लेटते हैं, ये लेटने का तरीक़ा नहीं है। उठ जा। जब उसने उठने में फिर भी कसलमंदी ज़ाहिर की तो अब आपने ज़रा सा अपना लहजा बदला, उठ जा, मुझे मालूम है कि अपने लिबास में क्या छुपाए हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे मालूम है कि तू लिबास में क्या चीज़ छुपा कर लेटा हुआ। ये कहते हुए आप आगे बढ़ गए, मेहराब इबादत में पहुँचे, नवाफिल अदा करना शुरू की, नमाज़ पढ़ने में मशगूल हुए। अब यहाँ पर बस तेज़ी से, चूँकि नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है तकरीबन, तो अर्ज़ करूँ कि दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि आप नाफिले सुबह अदा कर रहे थे और एक रिवायत में यह है कि नहीं, फरीज़े सुबह अदा कर रहे थे, जमात की नमाज़ पढ़ा रहे थे, पहली रकात के दूसरे सजदे में थे जब इब्न मुलजिम की तलवार लहराई और फ़र्क अक़दस पे वहाँ पड़ी जहाँ जंग खंदक में अम्र इब्न अब्द वद आमिरी की तलवार पड़ी थी और फ़र्क अक़दस से मकाम सजदा तक पहुँच गई। इमाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद ज़मीन से खाक उठा उठा कर अपने ज़ख्म में भरना शुरू किया। बहुत मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, नमाज के बाद, इफ्तार के बाद जी भर के मातम कर लीजिएगा। आका ने एक मर्तबा जब इमाम हसन पहुँचे हैं और इस कैफियत में अपने बाबा को देखा और पूछा कि बाबा ये किसने कत्ल किया आपको, बाबा ये ज़ख्म कारी किसने लगाया है? आपने फरमाया, हसन पहले नमाज पढ़ा दो,
मैं अक्सर कहता हूँ, तकरीबन हर साल ये जुमला कहता हूँ, आका इमाम हसन का ये वो कारनामा है जिसके जिसको नकल करते हुए मैं आका हुसैन से ख़िताब करता हूँ, आका हुसैन आपने सजदे में, आपने ज़ेरे तेग ज़ेरे खंजर सजदे के किए हैं और सजदे के आलम में अपनी जान जहाँफरी के सुपुर्द की है, जाम शहादत नोश फरमाया है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन आका बाप तड़प रहा हो, अली जैसा बाप, अली जैसा बाबा जख्म खुर्दा तड़प रहा हो और बेटा खड़ा होकर नमाज पढ़ाए स्कूल के साथ, ये वो इम्तिहान है जो हसन मुज्तबा ने दिया है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।